ओम शांति। आज की तारीख है 4/8/22 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें बाप समान रूप और बसंत बनना है। ज्ञान योग को धारण कर फिर आसामी देखकर दान करना है। प्रश्न, कौन सी रसम द्वापर से चली आती है लेकिन संगम पर बाप उस रसम को बंद करवा देते हैं? पहली जैसा प्रश्न है, सब सोचिए कौन सी रसम जो बहुत समय से चली आती है लेकिन संगम पर उसे बाप बंद करवा देते हैं। उत्तर है, बड़ी सहज बात है परंतु बड़ी गुह्य बात है, द्वापर से पांव पड़ने की रसम चली आती है। बाबा कहते कि यहाँ तुम्हें किसी को भी पांव पड़ने की दरकार नहीं। क्यों? बाबा कहते मैं तो अभोक्ता अकर्ता और असोचता हूँ, तुम बच्चे तो बाप से भी बड़े हो। वाह, बाप की निर्माणता देखो। बाबा कहते मेरे से भी तुम बच्चे बड़े हो, क्योंकि बच्चा बाप की पूरी जायदाद का मालिक होता है। तो मालिकों को मैं बाप नमस्कार करता हूँ। क्या कहें अपने प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाप दादा यशो बाबा के लिए, तुम्हें पांव पड़ने की जरूरत नहीं। हाँ, छोटे बड़ों का रिगार्ड तो रखना ही पड़ता है। गीत भी बजा है, जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है। धारणा के लिए मुख्य सार के दो धारणा बिंदु। नंबर एक, हर बात में अपना समय क्या करना है, सफल करना है। दान भी पात्र देख कर देना है, जो सुनना नहीं चाहते। हाँ, जब हम ज्ञान सुनाते तो पता चलता है कि इनकी ज्ञान सुनने में रुचि है या नहीं है। तो जो सुनना नहीं चाहते हैं उनके पीछे टाइम वेस्ट नहीं करना है। बाप के और देवताओं के भक्तों को ज्ञान देना है। नंबर दो, अविनाशी ज्ञान रत्नों को धारण कर साहूकार बनना है और पढ़ाई जरूर पढ़नी है। एक एक रत्न लाखों रुपयों का है, इसलिए इसे धारण करना और फिर कराना है। वरदान सतगुरु बाप दादा का, हर कर्म में बाप का साथ साथी रूप में अनुभव करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बाबा कहते हैं कि सबसे सहज और निरंतर याद का साधन है सदा बाप के साथ का अनुभव हो। सदा हम इस अनुभव में चले कि बाबा मेरे साथ है। साथ की अनुभूति याद करने की मेहनत से छुड़ा देती है। जब साथ है तो याद तो रहेगी ही, लेकिन ऐसा साथ नहीं कि सिर्फ साथ में बैठा है लेकिन साथी अर्थात मददगार है। साथ वाला कभी भूल भी सकता है लेकिन साथी नहीं भूलता। तो हर कर्म में बाप ऐसा साथी है जो मुश्किल को भी सहज करने वाला है।
ऐसे साथी के साथ का सदा अनुभव होता रहे तो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन है, विशेष आत्मा बनना है तो विशेषता को ही देखो। अगर मुझे विशेष मान चाहिए, विशेष सब मेरे को रिस्पेक्ट देवे, रिगार्ड देवे, तो बाबा कहते हैं विशेषता को ही देखो और विशेषता का ही वर्णन करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।